लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय प्रांगण में अंतर विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन मुख्य अतिथि आईटीबीपी के डीआईजी निश्चित चंद्र व विशिष्ट अतिथि आईटीबीपी में उमाकांत की मौजूदगी में किया गया। प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया। समारोह के मुख्य अतिथि निश्चित चंद्र डीआईजी आईटीबीपी पैरावास तथा विशिष्ट अतिथि उमाकांत सीओ आईटीबीपी का लिटिल फ्लावर स्कूल के डायरेक्टर प्रदीप बख्शी ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। विद्यालय में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर प्रदीप बख्शी, प्रधानाचार्य संजय शर्मा, भगत सिंह, राजेंद्र कुमार, शिवानी यादव, संजय बख्शी मौजूद रहे। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं आज यहाँ लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ में बच्चों के बीच में आने का ये मेरा सौभाग्य रहा। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये हमारे देश का भविष्य हैं। मैंने इस अवसर पर इन बच्चों को इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो इस देश की एक प्रीमियम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, इनके बारे में बताया। मैंने बच्चों को जो आज इनका स्पोर्ट्स दिवस है इसके बारे में प्रेरणा लेते हुए आगे भविष्य में किस प्रकार से ये जीवन में उन्नति कर सकते हैं, अपना फोकस, डिसिप्लिन और मेहनत के साथ ये आगे बढ़ते रहें, और बच्चों के साथ साथ इनके जो अभिभावक हैं उनका क्या योगदान है, इसके बारे में आज मैंने इन बच्चों को बताने की कोशिश की है। और मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से जितनी मेहनत से इस स्कूल में पर्टिकुलर में प्रदीप बख्शी जी और इनकी टीम जो प्रयास कर रही है, इतनी छोटी सी जगह से भी बच्चे आईआईटी और एम्स और अन्य बड़े बड़े संस्थानों में एडमिशन ले पा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे बच्चे रोल मॉडल के रूप में अपने बाकी साथियों को भी इंस्पायर करेंगे और आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। आईटीपी की तरफ से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें बुलाने का और यहां पे ये अवसर प्रदान करने का। साथ ही मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूं जो इन्होंने पिछले 13 वर्ष में यहां पे काम किया। आगे के लिए, भविष्य के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।